लास्ट टाइम हम लोग ने स्पाइनल नर्व्स पढ़ा था और आज हम लोग क्रेनियल नर्व्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्रेनियल नर्व्स होता क्या है? ऐसी नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट करती है, ठीक है? तो ऐसी नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट करती है, ब्रेन से निकलती है, सो उन नर्व्स को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? क्रेनियल नर्व्स। सो ऑल दी नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दी ब्रेन, ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है? तो अपने को पता है कि देर आर ट्वेल्व 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कितना? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है? अब ये जो 12 जोड़ी नर्व्स है ना, ये हम लोग जो 12 नर्व्स है ना, हर एक नर्व को अपना एक खुद का नंबर है। ऐसा नहीं कि कोई भी नर्व हम लोग ने कहीं से भी काउंट करना स्टार्ट कर दिया, हर एक नर्व को अपना खुद का एक नंबर है। और उन नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं रोमन नंबर्स से, जैसे नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2, नर्व नंबर 3। तरीके से देर आर 12 पेयर ऑफ नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दी क्रेनियम। अब हर एक नर्व का ना नाम है, हर एक नर्व का क्या है? नाम है। तो हर एक नर्व का क्या नाम है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और वो कौन से ऑर्गेन से रिलेटेड है, आज हम लोग वो पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग वो नर्व का नंबर याद करेंगे। हम लोग को नर्व का जो है वो नंबर याद होना चाहिए, ठीक है? देन उसके बाद उसका नाम पता होना चाहिए, नेम मालूम होना चाहिए उसका हम लोगों को। तीसरी जो चीज़ है वो कौन से टाइप की है, जैसे हम लोगों को पता है ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन नर्व कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। कौन सी? मोटर, सेंसरी और मिक्स। तो जो नर्व है वो कौन सी है, मोटर है, मिक्स है या सेंसरी, हम लोगों को वो मालूम होना चाहिए। और उनका फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आज हम लोग ये चार चीज़ पढ़ेंगे 12, पूरी 12 नर्व्स के बारे में। तो फटाफट हम लोग नंबर लिख लेते हैं 1 2। यहाँ पर सारे नर्व के नंबर लिख दिया। तो पहला वाला लाइन बहुत आसान है, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग ने रोमन में लिख दिया। एक्चुअली इट इज़ नॉट रेड एस 1 2, इट इज़ रेड एस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एथ, नाइन, टेंथ, ठीक है? अब मैं सारे नर्व्स का नाम लिखता हूँ फटाफट से, मुझे याद है सारे नाम। पहले वाली नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। एक्सेसरी एंड देन उसके बाद आता है हाइपोग्लॉसल। ओके, तो ये हो गए नर्व के नंबर्स के बाद नर्व्स का नाम। अभी टाइप लिख देते हम लोग, बस तीन टाइप की नर्व्स है ना? तो एस का मतलब है सेंसरी, एस का मतलब है सेंसरी, एम का मतलब है मोटर, ठीक है? और एम का मतलब है मिक्स। अब एम एम में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं हम लोग, है ना? तो हम लोग एम ओ ले लेंगे मोटर के लिए और एम आई ले लेंगे हम लोग मिक्स के लिए, ठीक है? इतना समझा, इतना क्लियर है? तो अभी हम लोग टाइप लिखेंगे। तो जो पहला वाला नर्व है दैट इज एस, मतलब सेंसरी। उसके बाद वाला जो है वो भी सेंसरी है, फिर उसके बाद वाला जो है, ठीक है? और लास्ट की जो नर्व्स है, दो नर्व्स है, वो मोटर और मोटर। इतना समझ में आया? अब फंक्शन देख लेते हैं हर एक नर्व का फंक्शन क्या है। तो पहली वाली जो नर्व है इट इज़ रिलेटेड टू, द फर्स्ट नर्व इज़ रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है? इट इज़ रिलेटेड टू स्मेल। जो दूसरी वाली नर्व है इट इज़ रिलेटेड टू विजन। किस से रिलेटेड है वो? विजन से। ठीक है, देन उसके बाद जो 12th वाला है दैट इज रिलेटेड टू टंग मूवमेंट। शायद सोचते होगे कि सर क्या ये नंबर याद करना है, उनके नाम याद करने हैं, टाइप याद करना है और फंक्शन याद रखना है, बट इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी फिक्र मत करो, कैसे नाम याद रखना है वो मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है देर आर 12 नर्व्स, ठीक है? तो हम लोग उसको एक निमोनिक से याद रख सकते हैं। का जो फर्स्ट लेटर है वो अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो नंबर्स तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, 1 2 12 तो हम लोग ने बचपन में ही सीख लिया है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने बचपन में ही सीख लिया है नंबर वाला, ठीक है? अभी हम लोग को दूसरी चीज़ कौन सी याद रखी नहीं है, नाम याद रखने का। तो स्टेटमेंट है हम लोग को वो याद रखना है कि वंस वन ओल्ड प्रोफेसर टेस्टेड अ फ्रॉग, मतलब एक
अंकल एक बुड्ढे प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक फ्रॉक को टेस्ट किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने पूरे हॉल में उल्टी कर दी। ऑल गर्ल्स वॉमिटेड अक्रॉस हॉल, पूरे हॉल में वो लोगों ने उल्टियाँ कर दी। अंकल ने काम भी वैसा किए थे, ठीक है। सो अभी देखो, इनका फर्स्ट टर्म देखो और ये जो नाम है उनका फर्स्ट टर्म देखो। तो यहाँ पर क्या है, OOPTAFAGVAH। तो देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर ओ है, वापस से ओ, तीन ओ है। उसके बाद क्या है, पी है, तो यहाँ पर भी पी है। देन उसके बाद टी है, तो टी से ट्राइजेमिनल, ए से अब्ड्यूसेंस, फिर हम लोग एफ, फिर उसके बाद ए है, फिर जी है, फिर वी है, फिर ए है और एच है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरे नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वंस वन ओल्ड प्रोफेसर टेस्टेड अ फ्रॉग, ऑल गर्ल्स वॉमिटेड अक्रॉस हॉल। तो अगर हम लोग ये स्टेटमेंट याद कर लेंगे तो हम लोग को ये जो नाम है वो लाइन से सब याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब नाम के बाद जो इशू है दैट इज अबाउट टाइप्स, टाइप कैसे याद रखने का हम लोग को। तो टाइप याद रखना बहुत आसान है, सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो। जैसे मैंने बताया था अभी तीन चीज़, कि एस मतलब सेंसरी है ना, उसके बाद एमओ मतलब मोटर, और एमआई का मतलब क्या होता है, मिक्स नर्व होता है, ये मैंने बताया था। अभी क्या याद रखो पता है, जो स्टार्टिंग का दो है ना, जो स्टार्टिंग का दो पार्ट है वहाँ पर यू हैव टू राइट SS MO MO, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या आएगा, SS आएगा, फिर MO, फिर लास्ट में भी आएगा MO, SS MO, नीचे से भी MO, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे MI MI, इतना क्लियर है। ऊपर SS, फिर उसके नीचे MO MO, फिर लास्ट में MO MO, और MO MO के ऊपर MI MI। फिर उसके बाद याद रखेंगे हम लोग मीमो मिस, ये समझ में आया। तो हम लोग इस तरीके से जो टाइप है हम लोग वो भी याद रख सकते हैं। वापस से देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, SS, उसके बाद क्या लिखेंगे, MO MO, फिर नीचे वापस से लिखेंगे MO MO, अब क्या बचा, MI बचा, तो दो बार लिख देंगे MI MI, ठीक है। अब ये जो चार बचिया उधर पे लिखेंगे हम लोग मीमो मिस, उधर क्या लिखेंगे हम लोग मीमो मिस। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या याद रख लिया, टाइप्स ऑफ नर्व। तो नंबर याद था हम लोग को, नाम हम लोग ने ये स्टेटमेंट से याद कर लिया, और जो टाइप है वो हम लोग ये सीक्वेंस जो मैंने बताया वो अगर हम लोग याद रख लेंगे तो हम लोग को टाइप भी हो जाएगा। नाउ द लास्ट थिंग इज फंक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन है उसका, फंक्शन कैसे याद रखेंगे। फंक्शन याद रखने की भी अपने पास ट्रिक है, हाउ टू रिमेंबर द फंक्शंस, वेरी इजी, ठीक है। वो क्या ट्रिक है देख लेते हैं। तो ट्रिक कुछ ऐसी है, सबसे पहले हम लोग जो है, सबसे पहले हम लोग वन लिखेंगे, ठीक है। ये वन के बाद हम लोग लिखेंगे टू। तो अगर तुम लोग देखोगे, अगर ये टू आंखें है तो वन क्या हो गई, नाक। तो ऊपर आते हम लोग और वन का फंक्शन देखते हैं। वन का फंक्शन क्या था, स्मेल, और मैंने वन किधर लिखा, नाक की जगह पे। इतना समझ में आया, इतना समझा। तो वन इज़ रिलेटेड टू नोज एंड टू इज़ रिलेटेड टू आइज, दो किससे रिलेटेड है, टू इज़ रिलेटेड टू आइज, देखो ऑप्टिक लिखा हुआ है, विजन। तो फर्स्ट इज द फंक्शन ऑफ फर्स्ट नर्व इज स्मेल एंड द सेकेंड नर्व इज विजन, ठीक है। अब थर्ड नर्व देखते हैं, थर्ड नर्व का क्या काम है। अभी थ्री हम लोग कैसे लिखेंगे मालूम, थ्री हम लोग ऐसे लिखेंगे थ्री। अगर हम लोग थ्री का ये वाला पार्ट देखें ना, तो वो हम लोग का वो जो काला वाला पार्ट होता है ना, वो काले वाले पार्ट को इंडिकेट कर रहा है वो, मतलब हम लोग का जो आई बॉल मूवमेंट होता है दैट इज रिलेटेड टू नर्व नंबर थ्री। तो नर्व नंबर थ्री का फंक्शन देखते हैं क्या लिखे थे हम लोग ने, नर्व नंबर थ्री का फंक्शन हम लोग ने लिखे थे आई बॉल मूवमेंट। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब नर्व नंबर फोर देखते हैं, नर्व नंबर फोर का फंक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फोर है ना, जो फोर है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टूवर्ड्स हियर। तो जब भी हम लोग को अपने आई बॉल से अपनी नाक की तरफ देखना होता है, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नर्व नंबर फोर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, नर्व नंबर फोर का फंक्शन क्या लिखा है, आई बॉल रोटेशन, अगर अपने को आई बॉल को रोटेट करना है तो वो, ठीक है। अब नर्व नंबर फाइव पे आ जाते हैं, नर्व नंबर फाइव जो है ना उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइव कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
तो नर्व नंबर 5 क्या किया मैंने, ऐसे कुछ घुमा के लिखा, ठीक है। अब वो घुमा के क्यों लिखा मैंने, नर्व नंबर 5 का फंक्शन क्या है, टेस्ट मुंह के आसपास घूम रहा है, मतलब इट इज रिलेटिव टू टेस्ट, अगर चेहरे पे कोई टच करता है तो वो है ना, और दांत। तो ये जो मैंने ऐसा चेहरा बना दिया है, इसका मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू टच ऑन योर फेस, चेहरे पे अगर कोई टच करेगा तो वो सेंसेशन देगा ये। उसके बाद इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट एंड टूथ, दांत और टेस्ट से रिलेटेड है, इतना समझ में आया। सो दैट वॉज द फंक्शन ऑफ नर्व नंबर 5। अब नर्व नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग, जो है ना 6 इधर लिखेंगे, मतलब अगर सेम आंखों से हम लोग इस तरफ देख रहे अवे फ्रॉम दी नोज, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ नर्व नंबर 6। इतना समझ में आया, ओके। तो नर्व नंबर 6 का भी काम है रोटेशन ऑफ आई बॉल, देखो यहाँ पर आई बॉल मूवमेंट है। अब नर्व नंबर 7 पे आ जाते हैं। नर्व नंबर 7 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा 7 बनाएंगे और हम लोग एक ऐसा 7 बनाएंगे। तो 2 7 बनाए मैंने, जिससे देखो अभी फेस कंप्लीट हो गया। तो नर्व नंबर 7 का काम क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस, इंसान का चेहरा देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो उदास है, वो सैड है, वो ब्लश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो भी उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नर्व नंबर 7। तो नर्व नंबर 7 इज रिलेटेड टू फेशियल एक्सप्रेशंस। अब नर्व नंबर 8 जो है, अब मैं उसको ना यहाँ पर बनाऊंगा। अभी 8 मैंने कहाँ पर बनाया, कान की जगह पे, मतलब नर्व नंबर 8 का काम क्या रहेगा, इट विल बी रिलेटेड टू ऑडियो, जो हम लोग सुनते हैं। देखो नर्व नंबर 8 का काम क्या है, ऑडिटरी हियरिंग, सुनने के काम में आता है, ठीक है। अब नर्व नंबर 9, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना इसको टंग बना दूंगा, इसको ना मैं एक टंग बना के देता हूँ, और नर्व नंबर 9 जो है ना मैं इधर पे लिखता हूँ। अब देखो मैंने एकदम टंग के टॉप पे लिखा है, तो जो नर्व नंबर 9 होता है, जो नर्व नंबर 9 है, इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट, किससे रिलेटेड है वो टेस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने उसको टंग पे बनाया, ठीक है। एंड अगर टंग के हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ पर फायरिंग्स होता है, देखते हम लोग ने चार्ट में क्या लिखे थे। नर्व नंबर 9 का फंक्शन, तो नर्व नंबर 9 का फंक्शन हम लोग ने लिखे थे टेस्ट एंड फायरिंग्स, तो सेम चीज़ जो मैंने अभी बताया, ठीक है। नर्व नंबर 10, नर्व नंबर 10 इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेस्ट। नर्व नंबर 11 जो है उसको ना हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अभी ये इंसान का शोल्डर दिख रहा है, अगर वो ऊपर उसका चेहरा है तो ये क्या है, शोल्डर है। तो नर्व नंबर 11 इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ योर शोल्डर एंड योर नेक, ठीक है। नर्व नंबर 11 का काम क्या है, मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड नेक। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है नर्व नंबर 11 इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर। अब नर्व नंबर 12 पे आते हैं, जो लास्ट नर्व है। तो यहाँ पर ये जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा 12 और ऐसे बना दूंगा, मतलब इंसान का जो टंग का मूवमेंट होता है ऊपर करना और नीचे करना, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय नर्व नंबर 12। सो इट इज़ रिलेटेड टू नर्व नंबर 12, ठीक है। हाइपोग्लॉसल, इतना समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरी 12 नर्व को लाइन से याद रख सकते हैं, उनका नाम, उनका टाइप और उनका फंक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू क्रेनियल नर्व्स, यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है, यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू।